हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 चैप्टर 4 सिविक्स वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी मैं इससे प्रीवियस वाला चैप्टर डिस्कस कर चुकी हूँ, तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले देख ले, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, पावर एंड फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। क्या पावर होती है और क्या फंक्शंस होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो कि एग्जाम में भी पुटअप होता है। तो जो पावर्स होती है इंडियन पार्लियामेंट की, उसको हमने वाइडली स्टडी किया, उसको अंदर फॉलोइंग हेड्स में हम देखेंगे। सबसे पहला देखेंगे हम लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में। जो पार्लियामेंट है उसके पास वाइड पावर्स होती है इन द फील्ड ऑफ लेजिस्लेशन। इट कैन लेजिस्लेट ऑन दो सब्जेक्ट विच हैव बीन गिवन इन द यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर जितने सब्जेक्ट्स आते हैं उसको ये क्या कर सकता है, लेजिस्लेट कर सकता है। बिसाइड्स, पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन दो सब्जेक्ट्स विच हैव बीन गिवन इन द कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑल्सो हैव द पावर टू मेक लॉ ऑन सब्जेक्ट्स गिवन इन द कॉन्करेंट लिस्ट। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के पास क्या पावर होती है, लॉ बनाने की पावर होती है, और जो सब्जेक्ट उनको दिए गए कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। बट इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, लेकिन अगर उनके बीच में क्या हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो जो लॉ बनता है मेड बाय द पार्लियामेंट एंड द स्टेट द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट विल प्रिवल विथ प्रिवल। तो जो लॉ मेड होता है पार्लियामेंट के द्वारा वही प्रिवल किया जाता है। ऑल्दो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैव द पावर टू मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट गिवन इन द स्टेट लिस्ट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास पावर तो होती है कि वो लॉ बना सकते हैं जो सब्जेक्ट उनको गिवन है स्टेट लिस्ट के अंदर, येट पार्लियामेंट हैज़ बीन गिवन द पावर टू लेजिस्लेट ऑन सब्जेक्ट गिवन इन द स्टेट लिस्ट इन अबनॉर्मल टाइम। और पार्लियामेंट को भी पावर दी जाती है कि वो भी लेजिस्लेट कर सकता है उन सब्जेक्ट्स में जो कि स्टेट लिस्ट के अंदर मेंशन है, अगर अबनॉर्मल टाइम्स की बात करें, ड्यूरिंग एनी इमरजेंसी। तो पार्लियामेंट ऑल्सो इन्जॉय द पावर टू लेजिस्लेट ऑन रेसिडोरी पावर, पार्लियामेंट इन्जॉय करता है ये पावर के लेजिस्लेट करने की रेसिडरी पावर्स की भी। और रेसिडरी पावर्स वो पावर्स होती है हु हैव नॉट बीन इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द लिस्ट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो किसी भी लिस्ट में नहीं आती, वो पावर भी किसके पास होती है, पार्लियामेंट के पास होती है। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल पावर्स। जो पार्लियामेंट है वो पूरी तरीके से नेशनल फाइनेंस पे अपना कंट्रोल जमाता है। जो एनुअल बजट है वो पास किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, एंड नो टैक्स कैन बी लाइव बाय द गवर्नमेंट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। और कोई सा भी टैक्स मतलब लाइव्ड नहीं किया जाता जब तक गवर्नमेंट की विदाउट अप्रूवल ना हो पार्लियामेंट की, एंड गवर्नमेंट कैन नॉट स्पेंड एनी मनी विदाउट गेटिंग पार्लियामेंट सेंक्शन फॉर इट। और गवर्नमेंट कोई भी पैसा खर्च नहीं कर सकती जब तक पार्लियामेंट उसको सेंक्शन ना करे। थर्ड, कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव पे पूरा कंट्रोल होता है। जो पार्लियामेंट होता है ऑल अराउंड द वर्ल्ड वो क्रिटिसाइज भी कर सकता है और वो एक्सरसाइज करता है कुछ कंट्रोल जो कि रन कर सके गवर्नमेंट के लिए। तो दोज कंट्रीज विच हैव अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड रिमेन्स इन ऑफिस एज लॉन्ग एज ही इंजॉय इट्स कॉन्फिडेंस। और जब तक कि कोई भी मतलब उन कंट्रीज में जहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म किया जाता है, वहाँ पर जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट के लिए, और हमेशा ऑफिस में जब तक रहते हैं जब तक कि वो पूरी तरीके से इंजॉय नहीं कर जाए कॉन्फिडेंस को। और इंडिया के अंदर जो मिनिस्ट्री है रिमेन्स इन ऑफिस एज लॉन्ग एज पार्लियामेंट हैज़ कॉन्फिडेंस इन इट, और वो ऑफिस में तब तक रहता है जब तक पार्लियामेंट में उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं हो उनके लिए। तो इफ द पार्लियामेंट लूजेज कॉन्फिडेंस loses confidence in the council of minister, the government including the prime minister has to resign। और अगर लूज करते हैं कॉन्फिडेंस को तो गवर्नमेंट चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो उसको भी रिजाइन करना पड़ता है। तो इन दोज कंट्रीज विच हैव अडॉप्टेड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द एग्जीक्यूटिव कैन नॉट बी रिमूव बाय द पार्लियामेंट। और ऐसी कंट्रीज जहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पर एग्जीक्यूटिव के हाथ में पावर नहीं होती कि वो रिमूव कर दें, कैन नॉट बी रिमूव बाय द पार्लियामेंट। हाउएवर इट एंजॉय द पावर टू क्रिटिसाइज द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, वो इंजॉय तो करता है पावर के वो पॉलिसीज जो भी गवर्नमेंट की उसको क्रिटिसाइज कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन सम कंट्रीज लाइक इंग्लैंड, चाइना एक्सेट्रा, पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाई इट्सेल्फ। कुछ कंट्रीज़ की बात करें हम, इंग्लैंड की, चाइना की, वहाँ पर पार्लियामेंट के पास क्या होती है, पावर होती है कि वो अमेंड कर सकता है किसी भी पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के बाय इट्सेल्फ। और कुछ सम अदर कंट्रीज है जैसे यूएसए है एंड इंडिया, इट हैज़ टू टेक द अप्रूवल ऑफ द स्टेट ऑफ मेकिंग एनी चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। किसकी अप्रूवल लेनी पड़ती है, स्टेट की अप्रूवल जरूरी होती है अगर कोई भी चेंज करना है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो इन इंडिया अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट अलोन फॉर द रिमेनिंग पोर्शन।
इट्स रेक्टिफिकेशन बाय एटलीस्ट 50% स्टेट्स इज रिक्वायर। और अगर कुछ भी चीज़ ऐसा करना है तो एटलीस्ट 50% स्टेट्स का वोट आना जरूरी है, इसके बाद ही कोई कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट, जुडिशियल पावर की बात करें तो पार्लियामेंट इंजॉय करती है जुडिशियल पावर को। इट कैन रिमूव द प्रेसिडेंट फ्रॉम ऑफिस बाय इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट प्रोसेस से वो प्रेसिडेंट को भी रिमूव करा सकती है अपने ऑफिस से। इट ऑल्सो हैज़ एम्पावर टू रिमूव द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। इट कैन टेक एक्शन अगेंस्ट एनी मेंबर फॉर वायलेटिंग द डिसिप्लिन ऑफ द हाउस। अगर कोई भी मेंबर वायलेट कर रहा है डिसिप्लिन को तो वो किसी को भी एट अ टाइम हटा सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्टोरल पावर के बारे में। तो जितने भी मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के वो क्या करते हैं, पार्ट टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। स्पीकर ऑफ लोकसभा इज ऑल्सो इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ लोकसभा। जो स्पीकर है लोकसभा का उसको भी कौन इलेक्ट करते हैं, जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के वो इलेक्ट करते हैं। सिंस इंडिया हैज़ अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इंडियन पार्लियामेंट्री इंजॉय ऑल द अबव मेंशन पावर्स। इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम अडॉप्ट है हमारे यहाँ पर। तो इंडिया क्या करती है, सारी चीज़ें इंजॉय करती हैं जितने पावर्स यहाँ पर मेंशन है। एंड इन दोज कंट्रीज हुआ है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ पावर, और ऐसी कंट्रीज जहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जैसे कि यूएसए के अंदर, तो पार्लियामेंट इंजॉय लिमिटेड पावर, पार्लियामेंट के जो पावर्स मिलती है वो लिमिटेड मिलती है। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने पावर और फंक्शंस के बारे में डिस्कशन किया है, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ, थैंक यू।